अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज चुके हैं 3:30 और अगर आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे अपने करेंट अफेयर्स को, जी हाँ दोस्तों, टॉप 50 करेंट अफेयर है जो कि 19 दिसंबर को मैं लॉन्च कर रहा हूँ और ये जो करेंट अफेयर है आपके प्रीवियस मंथ से लेकर रिलेटेड है, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है प्रश्न उत्तर, और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सिनेरियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा, नहीं तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको दिन भर में नहीं जा पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सिनारियो जो कि करेंट अफेयर है। जी हाँ, टॉप 50 लेटेस्ट करेंट अफेयर है जो कि आपके एग्ज़ाम, या तो आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग, SSC, रेलवे या GD या RPF की, तो उन सभी के परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे प्रश्न और यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर ये रहा आपके सामने, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 3 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद से शपथ ग्रहण की है, जिनमें शामिल नहीं है तो उनका नाम है दीपक मिश्रा। जी हाँ, दीपक मिश्रा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से शपथ ग्रहण में शामिल नहीं थे, उन्हें नहीं बुलाया गया है, उनको नहीं नियुक्त किया गया है। ओके, दूसरा प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL को 2017-18 में अब तक का सबसे अधिक 36,075 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, वह लगातार कितने साल सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये आंसर है इसका तीसरे साल। जी हाँ, 3 साल से लगातार ये सबसे, भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन चुकी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और विश्व बैंक के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कितने करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए समझौते का हुआ है। चलिए तो आंसर है इसका, इट्स 50 करोड़ डॉलर। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये केंद्र सरकार और विश्व बैंक के बीच हुआ ये समझौता है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इतने करोड़ की कर्ज की बारे में समझौता हुआ है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक किसे भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन माना गया है, तो आंसर है रेलवे स्टेशन जोधपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है। और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसने रहने के लिहाज से भारत का सबसे बेहतर शहर माना गया है, तो रहने के लिहाज से जिसे माना गया है वो पुणे है जो कि एक महाराष्ट्र का शहर है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अमीर महिला बनी है, तो उनका नाम है स्मिता कृष्णा गोदरेज। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के जिस दिग्गज डिस्कस थ्रोवर एथलीट्स ने 30 मई 2018 को एथलीट्स से संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका नाम बताना है। चलिए तो अगर आपको पता है तो आंसर करते रहिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, हर क्वेश्चन का आंसर आप नंबर देकर आंसर कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर विकास गौड़ा, नोट कर लीजिएगा। और एक सर्वेक्षण के तहत इन्हें भारत की सबसे अमीर महिलाओं में घोषित कर दिया गया है, तो इनका नाम है स्मिता कृष्ण गोदरेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो है एक ही आंसर है। कार्मिक मामलों में, ठीक है, कार्मिक मामलों में मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को भी LTC यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन की सुविधा दी जाएगी और वे कितने साल में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, तो आंसर है 4 साल में एक बार। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम जो है कि जेवलिन थ्रोअर यानी कि जो भाला फेंकने के में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित सावो गेम्स में 29 जुलाई 2018 को कौन सा पदक जीता है, तो ये देखो भाला थ्रोअर है यानी कि भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीते हुए हैं
नीरज चोपड़ा, और ये फिनलैंड में एक आयोजित सावो गेम्स हो रहा है जिसमें 29 जुलाई को इनको कौन सा पदक मिला है, तो यहाँ भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने की लोगो जारी किया है, तो वहाँ की नासा एजेंसी ने अपने 60 साल होने का एक लोगो जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, नासा अब हो चुका है 60 साल का, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए देश में निर्मित कितने आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोतों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है, तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ये टोटल 6 जो कि आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोतों की खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। और किस मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक बच्चों और महिलाओं से दुष्कर्म संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की जरूरत है, तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है ये सबसे ज़्यादा कानून मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये निर्णय, जिसमें कि लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का मामला चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रेखा शर्मा को, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति बने हैं, तो आंसर है इट्स अ हरिवंश नारायण, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय सेना ने अशोक लेलैंड से 81 हाई मोबिलिटी 10x10 वाहनों की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ का समझौता किया है, तो आंसर है 100 करोड़ रुपए का। ओके, अब अगला प्रश्न है, आईसीसी ने हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों को और स्टाफ के लोगों के बकाए का भुगतान करने के लिए फंड जारी किया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, आईसीसी के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है कि उस क्रिकेट बोर्ड को और उसके स्टाफ के खिलाड़ियों को भुगतान करेगी ये फंड, तो वो देश है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, अभी बहुत ही बदहाली में है जिम्बाब्वे देश, और जो कि अपने टीम के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रही है, तो इसका जिम्मा उठाया है आईसीसी ने। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किस क्षेत्र के विस्तार के लिए 66,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने का फैसला किया है, तो आंसर है वन क्षेत्र के लिए। ओके, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि वह कौन सा देश है जहां हाल ही में राष्ट्रीय समोसा सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई है। जी हां, राष्ट्रीय समोसा सप्ताह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा, इसका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आंसर है ब्रिटेन। और अगला प्रश्न है कि नासा के परमाणु ऊर्जा के संचालित क्यूरियोसिटी रोवर अंतरिक्षयान ने मंगल ग्रह पर अपने खोज अभियान के कितने दिन पूरे कर लिए हैं, तो आंसर है 2000 दिन। जी हाँ, 2000वां दिन है ये नासा का परमाणु ऊर्जा संचालित क्यूरियोसिटी का, जो कि मंगल ग्रह पे ये गया है खोज के लिए। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि वह कंपनी जिसने घोषणा की है कि वह टेक्सस के बेटाउन वाली लॉस मेकिंग स्टील प्लेट एंड पाइप मिल्स में 50 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी, तो वो है JSW। ओके, नोट कर लीजिएगा, वह देश जिसने यमन के हाउती विद्रोहियों की ओर से दागी गई 7 मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया, उस देश का नाम बताना है, तो वो है सऊदी अरब। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार मतलब ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है कि वह विवादित सागर जिसमें चीन की वायुसेना के युद्धाभ्यास के बाद विवाद पैदा हो गया है, तो आंसर है दक्षिणी चीन सागर, नोट कर लीजिएगा, और सियाचिन बॉर्डर के पास वह स्थान जहां चीन ने 36 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, तो आंसर है समसगम घाटी। जी हाँ, समसगम घाटी है इसका नाम, और जहाँ पर सियाचिन के बॉर्डर के पास ये स्थान है जहाँ पर चीन ने अभी 36 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है। और हाल ही में वह देश जिस देश के भारतीय विकेट कीपर माफ कीजिएगा हाल ही में किस
किस भारतीय वेट लिफ्टर के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ ने उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? तो ये हैं संजीता चानू, जो कि एक बहुत ही उम्दा वेट लिफ्टर रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसके द्वारा जारी घोषणा में कहा गया है कि वर्ष 2017 में 32.5 गीगा टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। और UIDII द्वारा जारी हाल ही में घोषणा के अनुसार आधार नंबर के सत्यापन का नया प्रकार क्या है? तो ये है फेस ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, अब पहले तो फिंगर ऑथेंटिकेशन चलता था, अब फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा। इसराइल और जिस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौता किया है, किसके तहत दोनों देश एक दूसरे के इतिहास के किताबों में सुधार कर सकेंगे? तो ये है म्यांमार। ओके, और प्रश्न है 29 कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस मॉडल को लागू करने की संबंधी दिशा में निर्देश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये है सामरिक भागीदारी का मॉडल। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस अनुवांशिकी विकार के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो आंसर है डाउन सिंड्रोम। ओके, चलिए फटाफट देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन 50 है और प्रश्न संख्या 31 है यहाँ पर, कि हाल ही में किस देश के दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर का गुफा की खोज की गई है? देखिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस एक बार सुन लीजिए या फिर आप कमेंट भी कर दीजिएगा आंसर, तो आपको याद रहेगा वो क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आंसर है भारत में खोजी गई है ये गुफा, जो कि सबसे लंबी रेतीली पत्थर की गुफा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत और किस देश के बीच 26 मार्च 2018 को संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो ये है चीन और भारत की। भारत में आयोजित पहले प्रिंट बीएनाले इंडिया 2018 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने 12 अगस्त 2018 को वियतनाम ओपन में कौन सा पदक अपने नाम लिया है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पर रजत पदक। जी हाँ, और क्वेश्चन नंबर 35 है कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस राज्य में सबसे ताजे फल और सब्जियों में आयात के प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूएई ने अपने किस राज्य से ताजे फल और सब्जियों का आयात मना कर दिया है? तो केरला से। ओके, ये यहाँ से सब्जियाँ जाती थी पर यहाँ पे अभी इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है, हो सकता है कुछ व्यावसायिक कारण रहा हो। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 कि चीन ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर सीमा पार से गोलीबारी रोकने के लिए किस वर्ष के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के भारत और पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया है? तो ये है वर्ष 2003 का। और वह कंपनी जिसने हाल ही में फोर्टिस हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण कर लिया है, जी हाँ, वह कंपनी जिसने हाल ही में 40 हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर लिया है, तो वह है मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा द्वारा हाल ही में आपराधिक रोकथाम हेतु पारित किया गया विधेयक, तो आंसर है यूपी कोका, नोट कर लीजिएगा यूपी कोका। और इन्हें हाल ही में यानी कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सीईओ नियुक्त किया गया है इनको, नोट कर लीजिएगा, उनका नाम है इंदु भूषण। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मनु भाकर ने महिला वर्ग में 10 मीटर रेंज की एयर पिस्टल स्पर्धा में जूनियर ISSF वर्ल्ड कप में जो पदक जीता है वो है स्वर्ण पदक। जी हाँ, मनु भाकर, नाम नोट कर लीजिएगा, ये महिला वर्ग में 10 मीटर रेंज की एयर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की योजना के तहत किस राज्य में 90 लाख में से 2.5 लाख पशुओं को आधार जैसी 12 अंकों की खास पहचान
की जारी की गई है संख्या, तो वो है मध्य प्रदेश में। और किस देश की वायुसेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर और जापानी द्वीपों से गुजरते हुए पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक और दौरे का सैन्य अभ्यास किया है, तो ये है चीन और भारत के बीच में। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि किस देश के कोहेनूर न्यूज़ चैनल ने अपने न्यूज़ एंकरों की टीम में माविये मलिक नामक ट्रांसजेंडर महिला को शामिल किया है, जिसे देश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर बताया जा रहा है, तो उनका नाम है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। ओके, इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए इनका नाम बताइए, अगर पता है तो। आंसर है आशीष कुमार भूटानी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया है, तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं उनके कर्ज माफी को लेकर। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि किसानों का तो सभी कर्ज माफ कर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि 46 सरकार द्वारा 31 मई 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 के तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि बढ़कर कितने प्रतिशत रही, जो कि नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद सर्वाधिक है, तो ये है 7.7%। और किस देश ने संगठित अपराध के निपटने हेतु महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी कि मकोका की भांति ही कानून पास किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और वह शहर जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है, तो आंसर है किची जोजी, जिसको हम टोक्यो कहते हैं। वह शहर जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है, तो किची जोजी, ओके, जो कि टोक्यो है, टोक्यो में है। ठीक है, टोक्यो का नाम है ये। और अगला प्रश्न है, सरकार ने पीएनबी में धोखाधड़ी मामले में किस बैंक की पूर्व एमडी उषा अनंत सुब्रमण्यम को बर्खास्त कर दिया है, तो इलाहाबाद बैंक ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर राष्ट्रध्वज संहिता 2002 का पालन सुनिश्चित करने और लोगों से जिसके राष्ट्रध्वजों का इस्तेमाल ना करने को कहा गया है, तो ये है प्लास्टिक का। जी हाँ, प्लास्टिक का बैन पूरे देश में किया जा रहा है धीरे धीरे, और अभी कुछ दिन पहले बिहार में भी ये बैन कर दिया गया है प्लास्टिक का। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के इस पूरे सिनारियों में हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे टॉप 50 आज के, ये सब आप तक मैंने शेयर किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये सारे प्रश्न देख सकें और इसका आंसर भी जान सके। और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, किसी का भी, किसी सेक्टर का भी, उन सब के लिए सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए सिर्फ 20 मिनट भी नहीं कह सकते हैं, 15 मिनट कह सकते हैं, 15 मिनट में टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।